जेल के अंदर जो भी है भवानी उनसे मैं बंदी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी थीम है आज सेंट्रल जेल के अंदर जेलवाणी की शुरुआत की गई जो जेल प्रशासन ने उनके द्वारा एक्सरसाइज की गई थी कि एक जेलवाणी यदि चालू किया जाता है तो जेल के अंदर जो बंदी हैं उनकी मेंटल हेल्थ के अंदर और उनके मनोरंजन के लिए एक नया एवेन्यू मिल सकेगा और डिफॉर्मेटिव पुलिसिंग के अंदर जो काम है वो आगे बढ़ सकेगा। तो मेरा पूरा मानना है कि इस इनिशिएटिव से आगे जो हमारे उद्देश्य हैं हम उसके अंदर सफल हो सकें। थैंक यू। में उनके अधिकार क्या हैं और साथ ही विभिन्न थीम पर आयोजित इनकी फरमाइशी गीत इन तक हम पहुंचाएंगे। जैसे सोमवार को हमने दिन लिया है सलाम हिंदुस्तान, यानी देशभक्तिपूर्ण जो गीत हैं इनकी फरमाइश आएगी अलग अलग वार्ड से। फरमाइश का कलेक्शन हम 11 बजे तक करेंगे और 12:30 से प्रसारण करेंगे। मुझे लगता है कि जेलवाणी बंदियों तक किसी भी तरह की सूचना पहुंचाने में, किसी भी तरह का उनका मोटिवेशनल थीम उनको देने में, योग आदि के बारे में जानकारी देने में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने में काम आएगा। हमारे जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, एक एक बंदी को प्रत्येक वार्ड में जाकर और काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जेलवाणी के माध्यम से हमारे जो डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर हंसराज सामरिया हैं, तो इसी माध्यम से वो उनकी काउंसलिंग भी करेंगे। एक जनरल जैसे मौसम परिवर्तित होता है तो किस तरह की अवेयरनेस रखनी चाहिए, जेल से कोई बंदी पैरोल लेना चाहता है तो पैरोल के रूल्स क्या हैं, कोई लीगल एड उनको क्या, उनके अधिकार हैं कि उनको फ्री लीगल एड से एक एडवोकेट मिलते हैं, या और क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके लिए यहाँ काम आ सकती हैं। प्लस राजस्थान सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, सिर्फ बंदी के हैसियत से ही नहीं उसके परिवारजन को वो अपनी सूचना जानकारी दे सके, उसमें जैसे चिरंजीवी योजना है, पालनहार योजना है जो कैदियों के लिए होती है, तो इस तरह की योजनाओं की जानकारी भी इस जेलवाणी के माध्यम से दी जाएगी। तो ये मंडे से लेकर संडे तक का थीम फिक्स हो गया है, सलामे हिंदुस्तान, आराधना, जैसे गुरुवार को आराधना रखा है, शुक्रवार को महफिल तरन्नुम है जिसमें गज़लों को सुनाया जाएगा। जो बंदी जेल में अपनी कविताएं लिखते हैं, लेखन में रुचि रखते हैं, वो भी इस जेलवाणी स्टूडियो के माध्यम से अपनी रचनाओं को इसमें पढ़कर सुना सकेंगे। कोई बहुत बड़ी कोई डिग्निटरी इस तरह की आती है जिनसे हमें इंटरव्यू लेने की आवश्यकता होगी तो हम इंटरव्यू भी उसी के माध्यम से कंडक्ट कराएंगे। बेसिकली पर्पज़ ये है कि पूरे जेल के जो 1200 बंदी हैं वो एक साथ एक आवाज़ को सुन सकें, चाहे वो गीत के रूप में हो, चाहे अनुदेश के रूप में हो, चाहे वो जानकारी के रूप में हो, चाहे और किसी शिक्षा के रूप में हो। हो सकता है कभी हम साक्षरता की तरफ जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम क्लास भी ले पाएंगे साक्षरता के बारे में, या किसी भी जेल के अंदर चल क्या रहा है, कितनी चीज़ें हर व्यक्ति को नहीं पता लगती हैं। जेल के अंदर यूटी सेक्शन है, सीटी सेक्शन है, मेंटल पेशेंट हैं, सभी बंदियों को एक साथ हम ये बता पाएंगे कि आज हम उद्योगशाला में नया उद्योग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो बंदी इसमें रुचि रखते हैं वो हमसे संपर्क कर लें, तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें चलेंगी। क्या तो किया गया मैडम? ये जिला कलेक्टर महोदय ने आज इसको जो है प्रारंभ किया है, और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भारत में सबसे पहले सतना जेल में ये MP में प्रारंभ हुआ था। सेकेंड नंबर पर जिला कारागृह भीलवाड़ा था, जहाँ पे ये पूरे भारत में सेकंड नंबर की जेलवाणी थी, और अब तो इंडिया की बहुत सारी जेल्स में ये जेलवाणी चल रही हैं। कोटा में भी हमने ये सक्सेसफुल जो है प्रयोग किया था, तो भीलवाड़ा और कोटा की सफलता के बाद हमें लगा कि ये बंदियों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, तो आज इसका इनॉग्रेशन जिला कलेक्टर महोदय और जो है जेल की विभिन्न हमारे